इंडिया पूरी दुनिया में अपने कल्चर और डाइवर्सिटी के लिए एक मिसाल है। Hey InfoJantao, welcome to InfoBug. You're watching InfoGyan and this is your host Ananya Vat. So हर वीक हम आपको किसी ना किसी नई थीम पर अमेजिंग से फैक्ट्स बताते हैं। But today we'll tell you some of the amazing facts about our Indian society. So आइए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स। So when we talk about Indian culture की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है Indian wedding. हाँ जी, जब भी इंडियन वेडिंग्स का नाम हमारे दिमाग में आता है तो बहुत अच्छा अच्छा खाना गाना बजाना ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में घूमने लगता है। जिनकी शादी होती है उन्हें तो शादी का चाव होता ही है, पर उनके रिश्तेदार रिश्तेदारों के आगे रिश्तेदार उनके आगे रिश्तेदारों को दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा चाव होता है। बट इफ वी आस्क इंडियंस की अगर उन्हें शो ऑफ करने के लिए कहीं पैसा खर्च करना हो तो वो क्या चूज़ करेंगे, तो दे विल चूज वेडिंग। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च इंडियन वेडिंग्स पर होता है वो भी सिर्फ शो ऑफ करने में। सो आई थिंक कि जितना पैसा हम शो ऑफ करने में खर्च करते हैं अगर वो एक्स्ट्रा पैसा हम लड़के और लड़की के लिए सेव करते हैं तो आई थिंक उनके फ्यूचर में काम आएगा। बट आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि जितने घर हमने शगुन दिया है वहाँ से वसूलना भी तो है। तो आई थिंक ये चीज़ चेंज होनी चाहिए और शादी ये है थोड़े सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं तो जितना पैसा बचेगा वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। हमारे इंडिया की बात हो और खाने के बारे में बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हम इंडियंस ना सादा खाना नहीं खाते, हमें चटपटा खाना पसंद है। एक दो फ्लेवर्स मिले जब भी इंडियन खाने की बात की जाती है तो बहुत सारे फ्लेवर्स हमारे दिमाग में आते हैं। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के लोग हैं उनको हैंडमेड चपाती और राइस खाना पसंद होता है, जो साउथ के लोग हैं उनको राइस इडली ये सब खाना पसंद होता है। सो इंडिया के खाने में इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं तो हमारा फूडी होना तो बनता है। बाहर के लोगों की तरह हमारा खाना सिंपल सा नहीं होता, हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते इतने जितने बाहर के लोग हैं। जब तक हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठे ना खाएं ना हमारा ब्रेकफास्ट सफल ही नहीं होता है ना। बहुत ज़्यादा बता रहे हो आपको रिलेट करो, क्या बात कर रहे हो भैया। बार्गेन करने में जो मजा है ना वो मजा कहीं नहीं है। इंडियंस ऑलवेज वांट टू पे लेस। 15 मिनट्स खड़े होकर बार्गेनिंग कर लेंगे, अपने एफर्ट सारे लगा देंगे बट पूरे पैसे नहीं देंगे। पर इंडियंस इस चीज में भी बहुत ज्यादा मानते हो ना। हम हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल होते हैं। इंडियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने रिलीजियस बिलीफ्स में देते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत अलग अलग धर्म हैं बट 7 मेजर रिलीजन्स आर हियर इन इंडिया। इतने सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं, इतने सारे अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स के लोग इकट्ठे रहते हैं पर फिर भी एकता कायम है। और आप ये नहीं कह सकते कि इतने सारे रिलीजन के लोग इकट्ठे रहते हैं और कभी लड़ते हैं। दैट्स वाई इंडिया इज एन एग्जाम्पल इन द होल वर्ल्ड ऑन द नेम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। If you are an engineer, a doctor, or an IAS officer, you'll get some additional sort of respect. Indian parents को ना proudly बोलना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा engineer है, doctor है, और तुम्हारा? आजकल ये चीजें kind of बदलने लगी हैं। क्यों? शायद इस वजह से क्योंकि आजकल इन सारी jobs में vacancies कम होने लगी हैं। शायद इसीलिए। Otherwise, according to me, the Indian society is still the same. हम चाहे इस बात से जितना भी इनकार कर लें दैट नाउडेज द इंडियन सोसाइटी इज नॉट ऑब्सेस्ड विद फियर स्किन, पर ये बात बिल्कुल गलत है बिकॉज स्टिल इंडियन सोसाइटी इज ऑब्सेस्ड विद फियरनेस। आज भी फियर
फेयर स्किन इज कंसीडर्ड अ ब्यूटी स्टैंडर्ड और फेयरनेस क्रीम्स की सबसे ज्यादा मार्केट दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। क्यों? क्योंकि हम लोग फेयरनेस फेयर स्किन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जबकि एक्चुअली हम लोग उतने फेयर हैं भी नहीं। ये हमें बाहर जाकर पता चलता है व्हेन वी गो अब्रॉड। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी क्वेश्चनेबल फैक्ट अबाउट द इंडियन सोसाइटी कि इतना ज्यादा ग्रो करने के बाद भी स्टिल पीपल आर स्टक ऑन दोस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आई थिंक ब्यूटी इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। आई थिंक योर सोल शुड बी ब्यूटीफुल। स्किन का क्या है? सो आवर नेक्स्ट फैक्ट इज दैट इंडियंस लव टू गॉसिप। इंडियंस का हर चीज पर ओपिनियन है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोसाइटी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। दे कैन टॉक ऑन एनीथिंग। वो किसी भी बात पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और इंडियंस को गॉसिपिंग इतनी ज्यादा पसंद है, या तो फीमेल्स हो या मेल्स, कि वो अपनी वर्क प्लेस में भी थोड़ा सा टाइम मिलते ही ना गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है और हम सबको माननी ही पड़ेगी। मेहंदी, चूड़ा, कलीरे, इंडियन मैरिज से जुड़ी हुई हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इंडिया में आज भी अरेंज मैरिज सिस्टम है, बट बाहर के लोगों को ना अरेंज मैरिज को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अरेंज मैरिजेस आर लिटरली रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। आज भी अरेंज मैरिजेस में लड़का और लड़की की फैमिली एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे के बारे में थोड़ी रिसर्च करती है, मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एंड देन दे प्लान से शादी करती है या नहीं करती। इंडिया में लव मैरिजेस भी होती हैं, बट स्टिल अरेंज मैरिजेस ज्यादा होती हैं। और चाइल्ड मैरिज बहुत ही कम अब प्रिवेल करता है इंडिया में, बट स्टिल कहीं ना कहीं आज भी चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अरेंज मैरिजेस, आज इंडिया में डाइवोर्स रेट काफी ज्यादा कम है, दैट इज 30 per 1000 केसेस, जो कि पूरी दुनिया में 10th रैंक है। इंडिया रैंक्स एट 10th लेवल ऑन द डाइवोर्स सिस्टम। इसी से मिलता जुलता एक और एस्टोनिशिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है और ये बहुत अजीब लगेगा बाहर के लोगों को, बट स्टिल इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल करता है। आज भी बहुत सारी फैमिली मिलजुल कर इकट्ठी रहती है और इंडिया में शादी से पहले लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स से अलग बहुत ही कम रहते हैं। इवन दो आफ्टर मैरिजेस टू लड़का या लड़की अपने पेरेंट्स के साथ रहना ही प्रेफर करते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। फैमिली में चाचा, चाची, ताया, ताई, दादा, दादी, इतने सारे रिश्ते जब इकट्ठे रहते हैं तो उनकी जो वाइब होती है ना वो अलग ही होती है और दे आर रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। और आप लोगों को पता है इंडिया में डाइवोर्स रेट इतना कम क्यों है? क्योंकि एक शादी में हमारे यहाँ सिर्फ लड़का और लड़की इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत सारी फैमिलीज और उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं। और इसीलिए एक शादी को तोड़ने से पहले इंडिया में बहुत ज्यादा सोचा जाता है। दैट्स व्हाई डाइवोर्सेस आर नॉट रियली वेरी कॉमन। दिस वाज आवर टुडेस एपिसोड, जो कि था हमारी इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। सो वी होप दैट यू लाइक दिस एपिसोड एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। डू सब्सक्राइब द पेज एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। डू शो अवर लॉट ऑफ लव एंड नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। टिल देन कीप वॉचिंग इन्फो बैंक। कम नहीं।